चैंपियंस, वेलकम टू करियर अड्डा। हियर वी हैव अनदर वन क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 75। लेट्स स्टार्ट। इफ एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बाय ए साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक्स और वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा काम करेंगे तो शायद वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको देख के हम उसको अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी, लेट एक्स प्लस एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 1, एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि एक्स बाय ए का होल स्क्वायर है, वाई बाय बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करें कि हम इसको स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को हम ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 एंड 2 को हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें और ऐड कर दें, तो हमको ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है, एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया, अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब भी दो इक्वेशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो एक्स बाय ए साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन अलजेब्रा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज बी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स बाय ए एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे कि ये नंबर और ये नंबर सेम है बट नेचर अलग अलग है, तो मैं क्या करूँ, इस नंबर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर वाले जो है उनको एक साथ लिख दूंगा, तो मैं एक साथ लिखूंगा, कॉमन ले लूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। एज वी नो फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। शायद यही हमको प्रूव करना था। ओके, यस, हैंस प्रूव्ड। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि LHS और RHS लेके हम सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, अपने तरीके से नए स्टेप्स उसमें अप्लाई करके उसको सॉल्व करना रहता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने चैंपियन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जरूर जरूर शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय चैंपियंस, टेक केयर।